झीलों के शहर उदयपुर में सेलिब्रिटी वेडिंग के बढ़ते कल्चर को देखते हुए अब बांसवाड़ा को भी डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहां आइलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिजॉर्ट, टेंट, वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर आइलैंड को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इन टापुओं का नामकरण के पात्रों पर भी किया जाएगा। पर्यटन विभाग और प्रशासन के साझा योगदान से ये फैसला किया गया है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि पुराने समय में रामायण में गुमनाम योद्धाओं को याद रखने के उद्देश्य से 100 टापुओं का नामकरण किया जाएगा। पर्यटकों और डेस्टिनेशन वेडिंग का मन बनाने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस जगह को और खूबसूरत बनाया जा रहा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हम अभी माही बैकवाटर जो है चाचाकोटा वहाँ खड़े हैं और हमारे साथ में संभाग आयुक्त नीरज के पवन भी हैं। उन्होंने इस चाचाकोटा के विकास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और हमने NDTV राजस्थान पर भी इस 100 टापू के शहर के प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसके बाद में भी इन्होंने काफ़ी इसके विकास के लिए बातें की हैं। हमारे साथ में संभाग आयुक्त नीरज के पवन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या योजना बनाई और क्या निर्देश दिए। सर क्या योजना बनाई? सर सुभाष जी, आपकी ही रिपोर्ट से हमें प्रेरणा मिली थी। आपने शायद 2-4 दिन पहले, मुझे तो आज मिली वो रिपोर्ट, आपने 8.5 मिनट की एक रिपोर्ट NDTV राजस्थान पर डाली थी और वो देख करके मुझे वास्तव में लगा कि ये तो बहुत कुछ यहाँ डेवलप किया जा सकता है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विजिट जब हुई, जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने काफ़ी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने रादर अपने मंच पे जो भाषण दिया उस पर भी उन्होंने बोला, आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, कि आइलैंड टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बांसवाड़ा में राज्य सरकार प्रयास करेगी। उसी दिशा में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हम कोशिश कर रहे हैं। आज जिला प्रशासन की पूरी टीम, माही के अधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी सब में मिलकर, काफ़ी सारे समाजसेवी हमारे साथ जुड़े रहे। हमें पूरा विश्वास है कि माही के आइलैंड्स को काफ़ी अच्छा डेवलप किया जा सकता है पर्यटन की दृष्टि से। अभी पूरा देश राममय हो रहा है, 22 जनवरी को राम में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर आपके मन में कोई ऐसा आए कि टापू का नामकरण भी रामायण के रामायण के पात्रों को रखा जाए तो इसके क्या विशेष प्रॉब्लम? देखिए पूरा देश राममय हो रहा है तो सबकी भावना के अनुरूप एक जब ये विचार ही आया कि इन टापुओं का सूचीकरण और इनका संख्याकरण की कर लिया जाए, तो उसके साथ साथ नामकरण की जब बात आई तो रामायण के वे पात्र जो कहीं विस्मृत हो चुके हैं उनके नाम पर इन रामायण इन द्वीपों का नामकरण किया जाए, इस विचार को हमने सबके समक्ष रखा और हमें ये जान के अच्छा लगा कि सब ने इसका समर्थन किया। स्थानीय लोग, जिला प्रशासन के लोग, सब ने इस बात का समर्थन किया कि हाँ, रामायण के वो पात्र, वो नायक जो कहीं ना कहीं विस्मृत हो गए हैं उनके नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा जाए तो आगामी सदियों तक इन द्वीपों को उन पात्रों के नाम से जाना जाता रहेगा, तो रामायण आपके और हमारे बीच में सदैव जिंदा रहेगी। तो ये था हमारे साथ में संभाग आयुक्त नीरज के पवन। हमारे साथ में जिला कलेक्टर इंद्रजीत जाते भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके मन में विकास की क्या बातें हैं। सर आपके उपस्थिति में यहाँ बैठक हुई, आज क्या आगे की प्लानिंग करेगी? सर इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन का बहुत स्कोप है, अपार संभावना है। जी सर, फॉरेस्ट एरिया है, बैक वाटर है। जी सर, जिसमें आप सभी की जानकारी होगी कि काफ़ी बड़ी संख्या में टापू हैं। जी सर, इस इलाके में क्योंकि औद्योगिक विकास थोड़ा कम है, ऐसे में अगर पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के आमजन को रोज़गार की संभावनाएँ मिलेंगी, उनको अवसर मिलेंगे, जिससे इलाके का सर्वांगीण विकास होगा। इसी संबंध में आज संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया था और सभी विभागों को पर्यटन की कार्य योजना बनाकर उसके ऊपर कार्य करने और राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और इसके ऊपर एकदम तीव्र गति से कार्रवाई होगी ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अमल लिया जाए। सर अभी जैसे डीसी साहब ने कहा कि 26 जनवरी को भी यहाँ भी इवेंट करा सकते हैं, तो क्या प्लानिंग कर सकते हैं इसके लिए? सर 26 जनवरी को यहाँ पे एक डेमो के तौर पे वाटर स्पोर्ट्स की प्लानिंग की गई है। जी जी, और उस संबंध में हमारे जो टूरिज्म के अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है और वो कार्रवाई हम 26 जनवरी के मुख्य समारोह है उसके उपरांत यहाँ पर करवाएंगे।